मॉर्निंग दोस्तों, जय जय श्री राम। आज मेरे यात्रा का तीसरा दिन है और मैं हूँ अभी नौगांव महामृत्युंजय मंदिर के एकदम ही नजदीक में। कल शाम 5 बजे जब मैं यहाँ पहुँचा था तो मैं अपना टेंट लगाने का ठिकाना ढूंढ रहा था, तभी मुझे ये भैया मिले। तो भैया मेरी हेल्प कर रहे थे टेंट लगाने की जगह खोजने में, थोड़ी देर मेरी हेल्प कर रहे थे, जगह मिल नहीं रहा था तो उन्होंने बोला टेंट लगाने की जरूरत नहीं, आज तुम मेरे घर पर ही रह लेना। और फिर मैं सीधा चला आया भैया के घर और सामने यहाँ भैया का लड़का। नाम की तुम्हारा पूछ रहा रिदीप। यहाँ भैया का बेटा है रिदीप, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इनके पास रह के। अभी सुबह सुबह का वक्त है, सुबह के 7 बज रहे हैं और बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है और हम यहाँ पे मुँह धुलाई कर रहे हैं। घर से निकलते वक्त मेरे मन में कितना सारा डर था कि कैसे होगा, कैसे कैसे लोग मिलेंगे, कैसे यात्रा करूँगा मैं। अभी फ़िलहाल तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा है यात्रा में मुझे। वो कहते हैं ना, होगा वही जो राम रची राखा। हरे कृष्णा। मैं मुँह धुलाई कर लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे। एकदम से मस्त फर्स्ट क्लास हो चुका है और यहाँ बीकू भैया आ चुके हैं। अभी भैया दुकान में जा रहे हैं और इनके साथ में जाऊंगा मंदिर। बैठी टाटा किमान अपना घर टू किमान धुनिया दिखाए ना। दोस्तों कल बीकू भैया के घर पे ही मैं रहा था। बहुत ही अच्छे भैया, बहुत ही प्यारे, बहुत दिल के बहुत साफ है। मैं जिस कारण यात्रा पर निकला हूँ, भैया से मिलने के बाद मुझे लग रहा है कि हाँ मेरा यात्रा संपूर्ण हो रहा है। ऐसे अच्छे अच्छे लोग मिले मुझे यात्रा में। कल रात को बहुत मैंने बात की भैया से, अपने बारे में बताया, इनके बारे में मैंने जाना, बहुत कुछ समझाया भैया ने मुझे। अभी फ़िलहाल हम पहुंच चुके हैं महामृत्युंजय मंदिर के पास। नहा धो के आया हूँ, मस्त थोड़ी पूजा करूँगा, अगरबत्ती दिखाऊँगा, भगवान से विनती मांगूँगा, आगे यात्रा अपना अच्छा से बीते। सुबह सुबह कितना प्यारा व्यू दिख रहा है यहाँ से। अगरबत्ती और दिया खरीद लिया है। सुबह सुबह मस्त नहा धो के फ्रेश होके आया हूँ, भगवान को अगरबत्ती चढ़ाता हूँ और कामना करता हूँ कि मेरा यात्रा बहुत ही अच्छे से जाए। पूजा करके हो चुका है और मैं आ चुका हूँ महामृत्युंजय मंदिर के पास। कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है यार। आज से जब 2-2.5 साल पहले ये बन रहा था, उस वक्त ही सोच रहा था कि मैं यहाँ पे आऊँ। सच में यार बहुत ज़्यादा लकी हूँ मैं ये सब कर पा रहा हूँ। सर मैं डिब्रूगढ़ से आया हूँ, चार धाम यात्रा कर रहा हूँ। चार धाम का यात्रा है, अभी स्टार्ट हुआ है, 3 दिन हुआ है डिब्रूगढ़ से। 3 दिन अभी तक? हाँ अभी तक 3 दिन। पैदल नहीं, लिफ्ट लेके हिचहाइकिंग। मेरा भी घर उधर ही है, तिनसुकिया पड़ता है। अच्छा तिनसुकिया में? अच्छा अच्छा लास्ट सद्या का पूरा सद्या के पास शांतिपुर बोलते हाँ। इतने दूर से यहीं पे रहते आप? हाँ यहाँ 2013 से। 2013 से अच्छा लगा आपसे मिलकर, इसीलिए पूछा हूँ। आते हैं? हाँ ठीक ओके। दोस्तों वाकई में आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, कभी सोचा नहीं था ज़िंदगी में ऐसा दिन भी देखूंगा। वैसे तो चारधाम यात्रा में निकलने से पहले मन में बहुत ज़्यादा शंका थी कि कैसा होगा, कैसे रहूँगा, कैसे लोग मिलेंगे, पर वाकई में घर से निकलने के बाद
इतना ज़्यादा आनंद आ रहा है मैं आपको बता नहीं सकता। अब आगे का यात्रा पता नहीं आगे मुझे कहाँ तक जाना है। अभी मैं यहाँ कम से कम आधा घंटा मोबाइल वोबाइल कैमरा वैमरा बंद करके रिलैक्स होकर बैठूँगा और फिर डिसीजन लूँगा कि आगे मुझे कहाँ तक जाना है। ओम नमो पार्वती पते हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। अब यहाँ भैया को अलविदा कहते हुए मुझे सच में ऐसा लग रहा है फिर मिलेंगे। फिलहाल के लिए अभी फिलहाल के लिए दे रहे हैं आप, मिलेंगे हम जरूर मिलेंगे। ऐसा लग रहा है किसी अपने को छोड़, जैसे घर से निकल के आ रहा था ना तो घर से निकलते वक्त थोड़ा बुरा फील कर रहा था, सेम वही फीलिंग अभी भी आ रही है। कोई नहीं फिर मिलेंगे, इसी को जिंदगी कहते हैं ना। ओके थैंक यू। यहाँ से गुवाहाटी 130 किलोमीटर दूर है, यहाँ से लिफ्ट लेने की ट्राई करता हूँ सीधे गुवाहाटी तक का, अगर मिल जाए तो मज़ा आ जाए। रुक गई है यार, किस्मत कितनी अच्छी है, एक ही बार में लिफ्ट मिल गई मुझे। अब कहाँ तक जा रहे भैया? गुवाहाटी तक। अरे हाय, मैं यहाँ चार धाम यात्रा कर रहा हूँ। अच्छा। यार मेरी किस्मत आज देख रहे हो, जस्ट अभी निकला ही था, पहला लिफ्ट लेने की कोशिश करा भैया को। हाईवे है ना तो गाड़ियाँ बहुत स्पीड से चलती है, तकरीबन 100 मीटर दूर जाकर भैया ने रोका, दौड़ दौड़ गया, सांस फूल चुका है। मेरा नाम आपका? अच्छा कहाँ, यहीं से हो आप? भैया बोरपेटा से डायरेक्ट गुवाहाटी तक की लिफ्ट मिल गई है, मज़ा आ गया। चलो भैया से बातें करते हैं, अच्छे से सफ़र इंजॉय करते हैं। कुछ तो भैया मेरे घर के एकदम नज़दीक से आ रहे हैं, मेरे घर से तकरीबन 15-16 किलोमीटर होगा। यहाँ से कितना देर लगेगा भैया गुवाहाटी पहुँचने में? 3 घंटा। यहाँ से हमें गुवाहाटी पहुँचने में 3 घंटा लग गया, मस्त अभी इंजॉय करते करते बातें करते करते चलते हैं। डार्लिंग को था सर घर सुपा घोट को घर थे सो व्हाट्सएप पर लोकेशन तो पठिया ना, मैं साइल होइसो कोन फले आसे ओ पठाय सो ए ओ लखाना बारा बारा बरबेसे तो न है आरो 500 किलोमीटर होबो कि जानी। ए बढ़िया बढ़िया, तो लोकेशन तो पठिया ना, मैं साइल होइसो। ओके थैंक यू। यहां से और 29 किलोमीटर बचा हुआ है, दिलदार घर आया हुआ है, उसने मुझे बोला था तू गुवाहाटी पहुंचेगा तो मुझे फोन करना। मैंने भाई को फ़ोन किया, उसने लाइव लोकेशन भेजा, अभी चेक करता हूँ कि कितनी दूर है, देखता हूँ आगे का प्लान क्या है। अभी तक मैंने डिसाइड नहीं करा है कि उसके घर ही जाना है या फिर कहाँ जाना है। सामने एक प्यारा सा नर्सरी दिखा, अरे यार रातिपा उठी किमान धुनिया किमान फ्रेश लगी हो ना। यहाँ जो लोग रहते होंगे वो सुबह को अगर उठते होंगे तो कितना ज़्यादा अच्छा लगता होगा उनको, इतने सारे फूल हैं यहाँ पे। भैया जो पुली लेने आए थे उनको मिला नहीं, अभी हम जा रहे हैं गुवाहाटी। शिलोंगो साइलोगो, यहाँ से गुवाहाटी 50 किलोमीटर बचा हुआ है और ब्रेकफास्ट भैया ने करवाया, चाय भी पिलाया, इतना बड़ा कप चाय था, पेमेंट भैया ही नहीं किया है, बहुत प्यार है। सुबह से आया, जब से बात ही कर रहा हूँ, बहुत सारा अपना स्कूल की कहानियाँ बता रहे हैं, अपनी बचपन की कहानियाँ बता रहे हैं। भैया सऊदी अरब में गए हुए थे जब ये कितने वर्ष हो गए थे अपना?
16 साल के जब थे तभी ये सऊदी अरब में चले गए थे। इसीलिए तो मैं लिफ लेकर ट्रेवल करता हूँ, हर दिन नए लोगों से मिलता हूँ, उनकी कहानियाँ सुनता हूँ, उनकी एक्सपीरियंस देखता हूँ। दोस्तों मैं पहुँच चुका हूँ गुवाहाटी, आज का सफ़र मेरा भैया के साथ यहीं तक का था। भैया ख्याल रखिएगा अपना, अच्छा लगा मिलकर आपसे, ख्याल रखिएगा, आपके ऐसा इंसान बहुत कम है दुनिया में। आपको जो काम से निकला अभी शुभ हो। थैंक यू सो मच, बोल रहा हूँ, कॉन्टेक्ट में रहेंगे। ठीक है भाई। यहाँ से दिलदार का घर 10 किलोमीटर दिखा रहा है और इतना हैवी बैग लेके मैं 10 किलोमीटर चल तो नहीं पाऊँगा। सिटी में लिफ्ट मिलेगी मुझे उम्मीद नहीं है, मेरे पास हेलमेट भी नहीं है कि मैं स्कूटी या बाइक वालों से लिफ्ट ले सकूँ। देखता हूँ अगर लिफ्ट मिल जाए तो अच्छी बात है। कितना 12 नंबर में भाड़ा 300 मान लो। ओके, मैंने भैया से कंफर्म कर लिया, अभी बोल रहे हैं ये खड़ा रहे, गाड़ी आएगी 12 नंबर वाली, सीधा लेके चली जाएगी तुझे गीतानगर। बस पहुंच चुका हूँ भाई। कहाँ रहता है यार ये भाई? दिल्लाड़ी इधर ही रहता है या फिर गूगल में मुझे कहीं भी ले जा रहे हैं। एक काम करता हूँ, फ़ोन कर लेता हूँ। हेलो हेलो, कोता सा घर होता है को घर माने कोता सा उला बाहर तुला तो कौन से ना सो पहाड़ टाइप और आसन की उठी आई बोला कि नहीं पहाड़ टाइप माने कि पहाड़ ते सो मी होय नहीं ये तो उला है मोर नले को बात हुमाई जाम भाई। लोकेशन हेक होय कल म ताते रखी आसो रा 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 त दुकान बसा नहीं के ये को गम ने पतो बाहर दा म पहाड़ तो उठी आसो पहाड़ तो का था कि पागल तो या सुन तो या आई जा जल्दी तो या म लोकेशन पठिया आसो। अरे तो व्हाट्सएप पर लोकेशन पठिया छु तो या आई जा। म तो की कोय आसो भाई? हां म तो कोय आसो न पहाड़ तो उठी आसो तो लोकेशन तो यहां पर पठिया छिले नी की हां घर में। ए देख केने का की खबर? अरे भाले सुर र को जा आज बोला 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 देख तो देख। ए होबो बहुत गुडू तो मुई जाबी। ए भाई मो देना। ए होबो होबो मो जानो की को भाबिसलो। ए तापा उठि आइसो मु कुसु दिलदार या दे था केने मु गूगल मैप पे जत ल गइस। ए हिसाब नै हमी याते रे बुनो देख तो नै तो कियो ए बो 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 ना ना पोई जाबी तो बहुत गुडू है तो ललो बहुत गुडू মই এনেকৈ ভয় লাগিছে যে পিছফালে পৰি নাযাওঁ। পৰি যাবি ন? এইটো চিৰি ধৰি ধৰি আহিছোঁ। পিছে ইতনা জ্যাদা ৱেট হে কি পিছে টান ৰ হে মেৰে কো। এ ভাই তো প্ৰথম বাৰ মই গুগল মেপ পৰা আহিছোঁ। বেপাৰ নহয় অ বেপাৰ। বেপাৰী বুলি মই বেপাৰী তোমাক কিনিব আহিছোঁ। বা দিলদাৰ কিতনা বঢ়িয়া জেগা মই ৰেতে ইয়াৰ তুতো কিতনা শানদাৰ জেগা মই ৰেতে আৰু ইয়াতে সূৰজ কিতনা প্যাৰা দিখ ৰে আই হাই হাই। দোস্ত শাম কে বক্ত মস্ত দিলদাৰ কে সাথ নিকল কে হম জা ৰহে শানমাৰী। अभी अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा है। गुवाहाटी सिटी में है ना तो हेलमेट बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं व्लॉग कर रहा हूँ इसलिए हेलमेट लिया नहीं हूँ, पहन ही लेता हूँ। चलो, और मुझे अभी फिर हेरा फेरी की मूवी की तरह फील हो रहा है। पीछे और एक कोई बैठ जाता तो परफेक्ट फीलिंग होती, पर कोई नहीं, हम आगे चल के आपसे मिलते हैं। जा रहे हैं हम सानमढ़ी दोस्तों, अभी हम जा रहे हैं सानमढ़ी। ना जाने कितने महीनों बाद दिलदार के साथ चाय की चुस्की लेके अच्छा लग रहा है। कल 26 जनवरी है, कल का अभी तक मैंने कुछ प्लान नहीं करा है। अभी चाय पीते हैं और उसके बाद प्लान करते हैं कि कल क्या करना है। वैसे तो अभी दिलदार मुझे गुवाहाटी घुमा रहे हैं, गुवाहाटी घूमते हैं और पहले तो चाय पी लेते, अभी कुछ बोलना नहीं चाहता मैं, चाय तो कॉन्सेंट्रेट करता हूँ। यहाँ पे लिखा हुआ है मस्त कड़क चाय। कड़क चाय वहाँ भैया बना रहे मस्त कड़क चाय। वाकई में कड़क चाय ऐसे ही थोड़ी ना लेके आया इतना दूर। नहीं नहीं लिखा हुआ है ना कड़क चाय, वाकई में कड़क चाय। हाँ
दो किलोमीटर दूर से यहाँ पे चाय पीने। दोस्तों अभी मैं ब्रिज के ऊपर आया हूँ और मुझे टाइम लैप्स लेने की बहुत ज़्यादा चुल मच रही है। दिलदार को बोला मैंने सामने सिटी का टाइम लैप्स लेंगे तो कितना ही प्यारा आएगा। आप सामने एक बार व्यू तो चेकआउट करो, एक प्यारा सा टाइम लैप्स बनाता हूँ, देखता हूँ कैसा टाइम लैप्स आता है। अरे आप कहाँ? तो शाम के लगभग 5:30 बज चुके हैं और मैं दिलदार के घर तकरीबन 3 बजे पहुंच गया था। सच बता रहा हूँ, डिब्रूगढ़ से गुवाहाटी तक आने में मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जितना मुझे गुवाहाटी टाउन से इसके घर तक आने में लगी है। मेरी जान निकल गई थी, सच बता रहा हूँ। यह तो शुक्र मनाओ मुझे रास्ते में एक दीदी मिल गई जिन्होंने मेरी थोड़ी हेल्प कर दी। और मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि मुझे आज तक उबेर कैसे बुक करता है, मुझे उबेर कैसे बुक करता है मुझे पता ही नहीं है। सच बता रहा हूँ। अरे बाइडो जो नहीं की घुस जा ना, तुम्हें एने के कोई कष्ट पाबा, तुम्हें एक काम करो उबेर घुस जा। मैं मुखो साइस हुआ तब कहूँ बाइडो मैं जानो ना कहने को कुंटू एप्स दी मुझे क्या खुली साइस है कौन कुछ भारत या कुछ मैं कुछ बाइडो मैं डिब्रुगढ़ पर या गुवाहाटी लगे आई इन बिंदास आईस तो 1 किलोमीटर देखा है এটো যাব পোৱা নাই, ইমান কষ্ট পাই আছোঁ। উবেৰ অ'লা ৰেপিড' চব কৰিছোঁ কৈছ ন ভাই, তই টাউনত থাক, আমি মই তাতে যাগেনে শিকিছোঁ। চলো দোস্ত ঠিক আছে, ফিৰ কল 26 জানুৱাৰী হে কল মুঝে মই সোচ কে ৰখা থা কি কল কামাখ্যা যাওঁগা, আব দেখতা হওঁ কি ফেছলা আভি তক হোৱা নাই হে, দেখতে হে ক্যা কৰনা হোগা ক্যা নাহি। কল 26 জানুৱাৰী সব কুছ বন্ধ হে তো কুছ সমঝ নাহি আ ৰহা, আভি ৰাত কো ফেছলা কৰতা হওঁ কি কল মুঝে কৰনা ক্যা হে, उसके बाद कल पता चल जाएगा कि कल क्या होगा। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे कल एक और नए व्लॉग के साथ। और सच बता रहा हूँ दिलदार से मिलके मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, गुजरात में मैं इसी के साथ रहता था, ये ऐसा लगता था कि मैं अपने भाई के साथ हूँ, बहुत मज़ा आता था। फिर दिलदार अलग जगह चला गया जॉब के कारण, मतलब गुजरात में ही था, मैं जिस एरिया में रहता था वहाँ से तकरीबन 100-150 किलोमीटर दूर चला गया। 6 महीने बाद फिर मैं अपने घर चला आया, फिर यहाँ से चारधाम यात्रा पे निकल गया। मैं चारधाम यात्रा पे निकल रहा था तो दिलदार घर आया हुआ था, तो बोला था भाई एक बार मुझे फ़ोन करना, तो मुझे रास्ते में याद आ गया तो मैंने फ़ोन किया, दिलदार कहाँ है तू, बता रहा है कि घर पे हो। अभी मेरी चाय ठंडी हो जाएगी, मैं नाश्ता कर ले रहा हूँ, बहुत ज़्यादा भूख लगी है। ठीक है फिर आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे आपसे एक और नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए बी हैप्पी बी एम लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम चिक चिक बम राधे राधे चलो बाय।